नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स। देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हमारा जो है अभी पीछे हमने कवर किए हैं सारे जो न्यायालय होते हैं। न्यायालय यानी कि जो जुडिशरी सिस्टम होता है, जो इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है यानी कि न्यायपालिका जो होती है, वो हमने कंप्लीट डिस्कस करे हैं। अब आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा, वो होने वाला उसी से रिलेटेड है कुछ, जिसका नाम है नालसा, यानी कि जिसे हम बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और ये इंडिया के अंतर्गत ये वर्क करती है, और इसका हिंदी में अगर नाम देखें हम तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। अब देखिए इसका मतलब होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई अपील करना है तो जो नॉर्मल नीचे तबके के जो व्यक्ति होते हैं वो वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे, वो सोचकर ही हार जाते हैं पीछे, कि वहां जाने के लिए बहुत खर्च चाहिए, है ना। अब उसके लिए वहां पे इंग्लिश में सारी चीजें होती है, तो उसके लिए वहां पे ज्यादा खर्च आएगा। तो ये सारी चीजें सोच के वो क्या कर देते हैं, केस को जो है वहां तक या अपील नहीं करते हैं। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम को यहाँ पे, मतलब जो निम्न स्तर के जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति, आम जन होते हैं, जितने भी, उनको यहाँ पे फ्री कानूनी सेवा प्रोवाइड करने का काम करती है नालसा, यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है उसके अंतर्गत है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। ये आप लोगों देख सकते हैं इसका। अब इसके बारे में हम जानते हैं इस लेक्चर में। पीछे के जो लेक्चर है आपने कोर्ट के बारे में डिस्कशन है उसको नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। आगे और कुछ बचे हैं हमारे, जैसे कि देखिए लोक अदालत से रिलेटेड लेक्चर बचा हमारा, परिवार न्यायालय से रिलेटेड बचा, ग्राम न्यायालय से रिलेटेड। तो ये हम सारी चीजें देख लेंगे एक दो लेक्चर में। तो हमारा पूरा कंप्लीट जो है जुडिशरी सिस्टम जो है इंडिया के अंतर्गत, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं क्या नालसा। तो इसके बारे में अगर देखें हम यहां पे नॉर्मली, तो यहां देखिए जो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण है उसका देखिए ये जो है शुरू से नहीं था। कैसे पता चला, मतलब जो संविधान है वहां पे शुरू से था क्या, नहीं था। अब ये जो जब भी कोई आर्टिकल है, आर्टिकल के साइड में अगर ए बी सी कुछ भी लगा होता समझ जाइए अब वो कैसा आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आया, यानी कि इसको संविधान में संशोधन किया गया है उसके तहत ये एड हुआ है। मतलब आर्टिकल जो 39 है वो ऑलरेडी था, उसके साथ में ए जुड़ा है, मतलब क्या है, संविधान का संशोधन हुआ है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 39 का ए में यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो कमजोर वर्ग है उनको निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया यहाँ पे, और यहाँ सबके लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है। किसके तहत, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत। और इस हिसाब से देखें तो आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 22 का वन ये जो है बाध्यकारी किसको बनाते हैं, राज्य के लिए बाध्यकारी बनाता है कि जो कानून होता है, कानून सक्षम समानता सुनिश्चित करने के साथ ही ऐसी कानून प्रणाली को स्थापित करना जो कि सबको समान आधार पर न्याय का संवर्धन यानी कि प्रमोशन करे। तो आप समझ सकते हैं जो कमजोर वर्ग है, जो जो कानूनी सेवा है यहाँ पे मतलब अपने आप में जो खर्च उसको वहन नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पे निर्धारित किया गया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिसे हम बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अंतर्गत है। तो इसी के बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो है सन 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था, ठीक है। अब अधिनियमित किया गया था परंतु लागू हुआ था क्या, नहीं हुआ था। लागू कब हुआ, लागू हुआ है 9 नवंबर 1995 को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, मतलब अधिनियमित किया गया 1987 में और लागू किया गया 9 नवंबर 1995 में। और यहाँ पे अवसर की समानता के आधार पर समाज के जो कमजोर वर्ग है उनको मुफ्त यानी कि फ्री में और सक्षम, मतलब जो जितनी सेवाएं मिलनी चाहिए वो कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित किया जा सके। तो ये 1987 के तहत से अधिनियमित किया था। इसके अलावा हम देखें तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन यहाँ पे हुआ किसके तहत, कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसका जो है गठन किया गया है, किसका, नालसा का, यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और ये है जो इंडिया के अंतर्गत ये कंप्लीट वर्क करती है, और कानूनी जो सहायता कार्यक्रम है उसके अनुश्रवण, मूल्यांकन उसके लिए तथा अधिनियम के उपलब्ध कानूनी या वैधानिक सेवाओं के लिए नीति एवं कार्यक्रम बनाने के लिए ये जो है सारी चीजें इसमें वर्क करती है नालसा। इसके अलावा हम देखें तो देखिए जो प्रत्येक राज्य है, प्रत्येक राज्य यानी कि स्टेट होता है, अब एक स्टेट होता है, स्टेट में एक उच्च न्यायालय होता है, स्टेट में क्या होता है, एक उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के यानी कि मतलब होता है हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट के अंतर्गत एक होता है राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, ठीक है। और एक और होता है, मतलब उच्च न्यायालय में ही एक होता है उच्च न्यायालय कानून सेवा समिति, ठीक है। तो दो चीजें होती है, हम देखिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण होता है उच्च न्यायालय के अंतर्गत, और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति का गठन किया गया है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए जिले होते हैं और तालुका होती है, ठीक है, छोटे लेवल पर जो होती है।
जिले से जो छोटी होती है। तो यहाँ जिले की अगर बात करें तो जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जिलों के लिए स्थापित किया गया, गठन किया गया, और तालुका के लिए तालुका कानूनी सेवा प्राधिकरण, इन दोनों का गठन किया गया। तो ये जो है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की नीतियां एवं निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए और साथ ही लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता तथा राज्यों को लोक अदालत के संचालन के लिए यहाँ पे इसका गठन किया गया। किसका? जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जिलों के लिए, और तालुका के लिए किया गया तालुका कानूनी सेवा प्राधिकरण, ताकि निःशुल्क कानूनी सहायता और लोक अदालतों का संचालन यहाँ पे अच्छे से किया जा सके। अब लोक अदालत क्या होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विस्तार से, फिर भी आप यहाँ थोड़ा सा जो है उसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। लोक अदालत का मतलब होता है एक प्रकार से बायपास, बायपास यानी कि शॉर्टकट हम बोल सकते हैं। शॉर्टकट का मतलब होता है कि जब हमको लॉन्ग वे में यानी कि सिटी के अंदर नहीं घुसना है तो हमको एक बायपास मिल जाता है, मतलब सीधे सीधे हम सिटी के बाहर से निकल के सामने निकल जाते हैं हाईवे में, तो उसे बोलते हैं शॉर्टकट। और ऐसे ही लोक अदालत भी होती है एक प्रकार से जुडिशरी का शॉर्टकट सिस्टम है, यानी कि बाईपास सिस्टम है। कैसे? जैसे हमको जो हाई कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वहां पे नहीं जाना है, वहां पे जो मामले लंबित पड़े हैं या कुछ मामले लंबित नहीं होते हैं तो हम जल्दी जल्दी निष्कर्ष उसका चाहते हैं, फैसला चाहते हैं, तो हम कहाँ चले जाते हैं? लोक अदालत में। तो ये चीज होती है लोक अदालत, हम आगे पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा देखिए इनको कुछ कार्य सौंपे जाते हैं, तो कार्य किस किस को सौंपे जाएंगे? तीन रूप से होते हैं। देखिए राज्य के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, जिलों के लिए क्या होता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, और तालुका यानी कि नीचे लेवल के लिए तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण। जो तीनों ही सिस्टम होते हैं तीनों को कुछ मुख्य कार्य यहाँ सौंपे जाते हैं, जैसे कि फ्री में और सक्षम कानूनी सेवा उपलब्ध कराना, किसको? जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उनको। उसके बाद जो विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, उनको सौहार्द यानी कि शांतिपूर्वक ढंग से उनका निपटारा करना, उसके लिए लोक अदालत यहाँ आयोजित की जाती है। किसके किसके तहत? नालसा के तहत। नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, जिसे राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण बोलते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना, ये मुख्य काम होते हैं किसका? इन तीनों का। तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग काम करते हैं तीनों चीजें, राज्य, जिला और तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके अलावा जो सेवाएं होती है, सेवाओं में मुख्य रूप से क्या शामिल है नालसा के अंतर्गत? तो जो अदालत की जो फीस लगती है, प्रोसेस फीस लगती है, और अन्य सभी जो शुल्क होते हैं जिनका भुगतान किया जाना है यानी कि कानूनी कार्यवाही में खर्च किया जाना, वो सभी कैसे होंगे? फ्री में होंगे, मतलब उनके लिए कोई फीस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा कानूनी कार्यवाही के लिए वकीलों की भी जरूरत पड़ती है यानी कि अधिवक्ताओं की जरूरत पड़ती है, तो उनकी सेवाएं भी यहाँ पे कैसी मिलती है? फ्री में मिलती है, नेशनल जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके तहत। कानूनी कार्यवाही से संबंधित जो आदेश होते हैं उनकी प्रति और अन्य कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्राप्त करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट यानी कि वितरित करना, ये सभी जो होता है फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। पेपर के लिए जो अपील पेपर बुक है उसकी तैयारी, दस्तावेज यानी कि उनकी प्रिंटिंग, और ट्रांसलेटर की भी जरूरत पड़ती कभी कभी, तो इन सभी का जो खर्च आएगा वो सभी फ्री अवेलेबल कराया जाएगा। किसके तहत? नालसा के तहत। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा जो व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, व्यक्ति का मतलब होता है कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, कौन कौन इसमें शामिल होने का मतलब होता है कि जिनको जो सेवाएं है नालसा के तहत किस किस को मिल सकती है, वो यहाँ दिया गया है। हमने सेवाएं तो देख ली हैं, अब किन व्यक्तियों को सेवाएं उपलब्ध होगी? तो हम देख सकते हैं जो महिला होती है या बच्चे होते हैं उनको ये सेवाएं मिल सकती है, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य होते हैं उनको ये सेवाएं प्राप्त हो सकती है, औद्योगिक क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं उनको ये सुविधा मिलेगी। इसके अलावा हम देखें तो सामूहिक विपदा, हिंसा, बाढ़, भूखा, जो सूखा होता है, भूकंप होता है, औद्योगिक आपदा, इन सभी के जो शिकार व्यक्ति होते हैं उनको नालसा के तहत सेवाएं उपलब्ध होगी। इस प्रकार की दिव्यांग यानी कि जो हैंडीकेप पर्सन है उनको ये सेवाएं उपलब्ध होगी। हिरासत में लिए गए जो कोई व्यक्ति है उनको सेवाएं उपलब्ध होगी, और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है यानी कि 1 लाख से अधिक नहीं है उनको भी क्या है, ये सेवाएं उपलब्ध होगी। इसके अलावा मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति तथा जो भिखारी होते हैं उनको भी इस प्रकार की सेवाएं मिलेगी। किसके तहत? नालसा के तहत। तो ये देखिए हमने देखे हैं, पहले देखे हमने कौन कौन सी सेवा इसके अंतर्गत मिलेगी और ये सभी फ्री मिलेगी, और किन व्यक्तियों को ये सेवाएं मिलेगी वो हमने देखे यहाँ पे। तो ये जो ये था लेक्चर हमारा नालसा से रिलेटेड, हालांकि छोटा था कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट था ये नालसा से संबंधित। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में लोक अदालत से संबंधित सारी चीजें जानेंगे। तो लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक कर सकते हैं आप अगर आपको लेक्चर पसंद आया, और नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है लेक्चर में। शेयर जरूर करें अगर पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो शेयर बिल्कुल भी नहीं करें। सब्सक्राइब करके आप चैनल का पार्ट बन सकते हैं और इसी प्रकार लेटेस्ट वीडियो पा सकते हैं, और पीछे इकोनॉमिक्स की सीरीज हमने कंप्लीट की है उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।